देखते हैं हैरान, कैसे बनेंगे, कैसे बैंक में बैलेंस आएगा, कैसे गाड़ी आएगी, कैसे बैंक में सिलेक्शन होगा, कैसे हम इंग्लिश सीखेंगे। ये प्रश्न सभी लोगों के मन में उसी दिन आ जाता है जिस दिन हम चीजों को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत सिंपल सा नहीं है, बहुत टिपिकल प्रश्न है, कैसे होगा, कैसे, हाउ, कहाँ, कैसे होगा, कैसे। बार 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 हर व्यक्ति के मन में प्रश्न होता है। वो सुबह उठता जरूर है लेकिन उसके मन में कहीं जा रहा है, यार मैं बैंक की अभी कोचिंग तो जा रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सिलेक्शन होगा कैसे। ये सुनो, ये क्वेश्चन कितने लोगों के मन में रहता है, हाँ है ना, यस गाइस, ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में रहता है, क्या यार मैं ये काम करता रहा हूँ, मैं ऐसा ही तैयारी कर रहा हूँ यार, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं ऐसे ही बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, हाँ मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा वकील बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, एक डाउट है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक हम जिंदगी भर उसी डाउट में जीते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, कैसे मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी, कैसे कैसे मैं इस कंपटीशन के माहौल में सर्वाइव कर पाऊंगा, कैसे। ये प्रश्न हर व्यक्ति के मन में बहुत अच्छी तरीके से गड़ा हुआ है। गड़े होने का मतलब समझ में आ रही है बात, कैसे तो कोई भी काम कर रहा है आज कॉन्फिडेंट नहीं। इस सेमिनार का उद्देश्य बहुत सिंपल सा है, बहुत साधारण सा उद्देश्य है, बहुत साधारण सा उद्देश्य, बहुत सरल, कि हम लोगों के अंदर विश्वास आए कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो होगा। ये सेमिनार केवल और केवल इसलिए है कि जिससे कि आपके मन में विश्वास आए, और जब विश्वास मन में आएगा तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, आपकी विषय बदल जाएंगी, आपके काम करने के तरीके बदल जाएंगे, और आप सबसे पहली बात ये क्या होगा, आपको अपने ऊपर विश्वास आएगा, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो प्रश्न बहुत सिंपल सा है, कैसे, बहुत सिंपल सा है, कैसे। एक बंदा एमबीए की तैयारी कर रहा है, उसे ये लग रहा है यार यार क्या एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरे से अच्छे अच्छे दिग्गज बैठे हुए हैं, यार मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, क्या मेरा तो जॉब करने का कोई चांस ही नहीं है। Am I right or wrong? Yeah. एक बंदा, हर बंदे के अंदर ये प्रश्न लगा हुआ है, क्या कैसे, और उसी कैसे की वजह से बंदा भटक रहा है। बार बार जो भटकाव है हमारे जीवन के अंदर वो केवल और केवल किसकी वजह से, उसी कैसे का प्रॉपर क्यों। आज वो ऐसा ही कर रहा है, दो महीने बाद वो किसी और जगह पे चला जाता है, तीस महीने बाद में और चला जाता है, चार महीने बाद में और चला जाता है, और दो साल बाद चार पांच छह कोचिंग या पांच छह जगह काम करने के बाद वो उसी जगह पर पाता है अपने आप को जहां से उसने शुरुआत की। Am I right or wrong? हाँ है ना, क्यों, क्यों हमारे जीवन में इतना भटकाव है, क्यों हम बार बार भटक रहे हैं, क्यों हम बार बार भटक रहे हैं, क्यों हम एक ही दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत गड़े हुए प्रश्न है। आज आप बच्चे की लाइफ देखो, बच्चे की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बैंक भी हो, 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 सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में एसएससी पटवारी, 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 अब जी सॉन्ट में पटवारी निकल जाएगा, फिर इसके बाद एसएससी, एसएससी, फिर इसके बाद बैंक भी, बैंक भी हो, इसके बाद क्या होगा, दो साल बाद फिर वो बोलेगा यार सरकारी नौकरी में कोई मजा नहीं है। तो प्रश्न बहुत सिंपल था, कैसे, प्रश्न बहुत सिंपल सा है, क्या कैसे, मन में एक प्रश्न है, कैसे होगा यार, ये हो नहीं पाएगा, इंग्लिश यार कैसे सीख पाएंगे यार, कैसे बोल पाएंगे इंग्लिश, मुझे समझ में नहीं आता यार, ये इन छोटे छोटे चीजों से इंग्लिश कैसे बोलना सीख पाएंगे, ये प्रश्न है ना आप लोगों को। ये कैसे की वजह से ही सारे के सारे लोग जो हैं वो बार बार भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। इस सेमिनार जो है कैसे होगा, यही इस प्रश्न का जवाब है, कैसे होगा। छोटी सी विफलता आई, छोटा सा फेलियर आया, हाँ कंप्लीटली फेल हो, छोड़ दिया सब कुछ कंप्लीटली, एक चार महीने पांच महीने एक चीज पर तैयारी की, तैयारी करने के बाद क्या हुआ, वो चीज छोड़ के दूसरे में लग गए, फिर चार महीने तैयारी करी, फिर उसको छोड़ दिया, फिर किसी और में लग गए, फिर चार महीने तैयारी करी, फिर किसी को छोड़ दिया, उसमें लग गए, अब क्या हुआ, दो साल बाद किसी ताना मार दिया, हैरान पूरा दिन खराब,
यस सर, हाँ या ना? तो अब प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन में क्लैरिटी कैसे लेकर आए, कैसे विश्वास लेकर आए कि काम होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो हमें देखना है। वही हमारे दिमाग में एक ही चीज भरी हुई है, क्या कैसे होगा, प्रश्न बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फूल को देखता हूँ, ये फूल है आपके सामने, हाँ या ना जवाब दे, क्या ये किसका फूल है, आवाज आ रही है जोर से बोलो, गुलाब में क्या आ रही है, थोड़ी आई एक मिनट, गुलाब के फूल में खुशबू आती है, हाँ या ना, किधर लोग जानते हैं गुलाब के फूल में खुशबू आती है, श्योर आवाज नहीं आ रही है, श्योर आती है, डाउट तो नहीं है, एक बात बताओ गुलाब के फूल में खुशबू डाली किसने, एक मिनट, रात को भगवान इंजेक्शन लगा के आए थे क्या, नहीं, पहले बहुत सिंपल से प्रश्न पूछूंगा, बहुत सिंपल से, एक मिनट, हाँ या ना जवाब, एक गुलाब के फूल में खुशबू कहाँ से आई बताओ, आती है ना, अब कैसे आती है पता नहीं, लेकिन कितने लोगों को समझ में आ रही है बात, आती है, इस गुलाब के फूल का रंग क्या है, गुलाबी सफेद, हाँ है ना, इसका रंग क्या है, क्या इसका, क्या इसका, क्या इसका, इसका क्या है, जब ये पौधा लगा हुआ था, जब ये पौधा लगाया हुआ था, क्या पौधे के अंदर कहीं पर भी व्हाइट कलर था, हाँ या ना मैं जवाब दे, था क्या, था क्या, था क्या, नहीं था, वो जो बीज था वो कैसा था, ब्राउन कलर था, वो बीज का कैसा था, ब्राउन, लेकिन उस बीज में से सफेद कलर निकला था, कितने लोगों को बात समझ में आती जाती है, आ रही है, होते हैं ना, चलो अब जैसे अगर हम बात करते हैं, ये है क्या, ये नींबू, क्या ये नींबू, क्या ये नींबू, नींबू के अंदर क्या है, रस, क्या है, रस, हाँ है ना, क्या ये रस किसी ने रात को डाला था, इंजेक्शन में डाला था, लेकिन आता है ना, हाँ है ना, जो कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, मैं अभी तो कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ, होता है नहीं, हाँ है ना, कैसे होता है, लेकिन प्रश्न बहुत सिंपल से हैं, हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज उस नेचर की ओर देखना पड़ेगा, कुछ उन लोगों की तरफ देखना पड़ेगा जिन्होंने सक्सेस हासिल की, हमें उनकी साइकोलॉजी को पकड़ना पड़ेगा कि उन्होंने सक्सेस को अगर हासिल किया तो क्या बात थी जो आज सक्सेसफुल है, वो टॉप पर है, क्या बात है मार्क जुकरबर्ग जो है जो आज फिफ्थ विश्व का सबसे बड़ा करोड़पति और सबका विश्व का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, क्या बात थी जो बिल गेट्स विश्व का सबसे पहला व्यक्ति अमीर व्यक्ति बना, तो आज हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज अगर इनोवेशन की भैया ने जो बात करी, भैया सभी लोगों के पास धरा धरा इनोवेशन है, इनोवेशन की कमी कहीं नहीं होती, लेकिन इनोवेशन को लेकर आना, फिर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सेमिनार में जब चालू कर रहे हैं तो एक चीज समझ में आ रही है कि फूल में खुशबू होती है, हाँ है ना, मोगरे में खुशबू होती है, होती है, क्या कोई डालता है, क्या कोई डालता है, नहीं, क्या कोई डालता है, क्या नहीं, कहीं से आती है क्या, लेकिन होती है ना, अपने समय पर आती है, जिसका रंग जो होता है समय पर खिलता है, समय वाली बात क्लियर है। चलिए इस सेमिनार में सबसे पहले हम लोग आगे बढ़े, देखते हैं, यहाँ पर सबके पास एक सेम क्वेश्चन रहता है, ये पेड़ को देखते हैं, क्लियर है, ये पेड़ क्या है, बीज, हाँ या ना मैं जवाब दे, क्या ये बीज, क्या ये बीज, थोड़ा जोर से बोला करो, क्या मैं गहरा हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ ना, तो क्या बोला, बीज, पानी, 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 बीज, ये बीज है, इस बीज में से क्या हुआ, पेड़ निकला, हाँ है ना, छोटा सा एक फूल निकलता है, हाँ है ना, यस सर, नो, यस सर, नो, निकलता है ना, जोर से बोला करो, जोश लगा कर, यहाँ बैठे हुए हैं, बूढ़े बुढ़ों के साथ बैठे हुए हैं, अब यहाँ से क्या हुआ कि ये बीज निकला, और बीज से क्या बना, पेड़ निकला, और पेड़ से क्या बना, एक महान वृक्ष हुआ, यस सर, नो, यस सर, नो, कैसे,
कैसे कैसे। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले अपने प्रश्नों को अच्छा सोचो, क्योंकि जवाब बहुत आसान होते हैं, जवाब में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रश्न में डाउट है और इसीलिए क्या होती है, हमको हमेशा समस्याएं होती है। क्लियर। अब इस समस्या में देखें, सबसे पहले सीड हुआ, क्या हुआ, सीड। सीड से क्या हुआ, एक छोटी सी निकली, कहां है ना, यस और नो, निकला ना, यस और नो। इसके बाद क्या बना, पौधा बना, पौधे से क्या बना, पेड़, क्या बना, पेड़, और पेड़ में क्या लगा, फल लगा, पेड़ में क्या लगा, फल। ऐसा हुआ या नहीं, होता है या नहीं, होता है। यस और नो, यस। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो किसानी का काम करते हैं, जैसे फार्मिंग का काम होता है, एक फार्मर का विश्वास। मैं विश्वास की अगर बात करता हूँ तो मैं फार्मर से बड़ा विश्वासी कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता। एक बन, एक जमीन पर जहाँ कुछ भी नहीं है, जब वो बीज बोता है तो उसे ये मालूम होता है कि ये होगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसका विश्वास, देखो कितना अंधा विश्वास है कि उसे काम कर रहा है, वो उस जमीन पे काम कर रहा है, जमीन को खोद रहा है, जमीन के अंदर से बीज लगा रहा है, बीज लगाने के बाद पानी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, और उसको एक ही चीज का विश्वास है कि क्या काम होगा। उसका विश्वास में कहीं कमी नहीं, अगर विश्वास में कमी होती तो काम नहीं करता, और वो काम नहीं करता तो आज हम अनाज नहीं खा पाते। यस नो, हाँ ना, हाँ ना। अब हम अगर बात करते हैं तो ये पेड़ बना कि नहीं बना, Yes or no? Yes. क्या हमने कुछ किया? No, sir. हमने कुछ नहीं किया। हम जो कर रहे हैं केवल केवल क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दें। और आगे चलते हैं, ये है बच्चा। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे कुछ हो रही है या नहीं। अगर हम बात करते हैं किसी बच्चे की, ये बच्चा होता है क्रॉलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रॉलिंग, आवाज आ रही है, क्या कर रहा है, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब चार पैरों पर चल रहा है, इसमें चल रहा है चार पैरों पर चल रहा है, इसमें चल रहा है चार पैरों पर चल रहा है। क्रॉलिंग से क्या हुआ, आगे बढ़ा, आया ना, बढ़ते बढ़ते ये बढ़ा, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, आगे चला। यस सर, आया ना, कैसे कैसे क्या इसके पास कोई जवाब है कैसे का, लेकिन एक जवाब है क्या, एक काम हुआ, एक काम हुआ, वो चला, वो दौड़ा। आगे अगर हम और बात करते हैं, ये जानते हो किसका फोटो है, राइट और बढ़िया, राइट आज से 100 साल पहले उन्होंने क्या उड़ाया था, जहाज। आज जो जहाज आप देख रहे हो, बड़े बड़े जहाज आप देखते हो, आज से 100 साल पहले ऐसे नहीं। राइट ब्रदर्स के पास एक चीज थी क्या, कि उन्होंने उड़ाया, आज दुनिया को उन्होंने दिया, क्या दिया उन्होंने, दिया, कैसे दिया, क्या दिया, हम आगे चलते हैं। क्लियर है, इस राइट ब्रदर्स की अगर हम बात करते हैं तो राइट ब्रदर्स जीवन के अंदर सबसे पहले, यदि मैं बताऊं कैसे किया, कैसे का जवाब है आपके, सबसे पहले आगे और चलते हैं। क्लियर है, ये व्यक्ति को हम जानते हो बढ़िया, ये बल्ब देखो, ये वाला बल्ब, ये है थॉमस एडिशन, बहुत बढ़िया, थॉमस एडिशन, क्या बहुत बढ़िया, थॉमस एडिशन। मैं एक बार फिर से दोबारा से इन लोगों पर आऊंगा, ले देखो थोड़ा सा समझेंगे। थॉमस एडिशन की अगर मैं बात करता हूँ, थॉमस एडिशन के ने जो बल्ब बनाया था, क्या बनाया था, आपको पता है जो दुनिया का पहला बल्ब बना था उसका साइज क्या था, और क्लियर कर रहे 10,000 एक्सपेरिमेंट किए थे, और जब वो 10,000 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए तो उन्होंने कहा ये 10,000 तरीके हैं जिनसे बदल नहीं, चार्ल्स बेबेज ने भी बनाया क्या, कंप्यूटर।
यह है दुनिया का पहला कंप्यूटर। कहते हैं कि जो पहला कंप्यूटर था दुनिया का वो इस कमरे से भी बहुत बड़ा कंप्यूटर। यस सर, पढ़ा हुआ आप लोगों ने? कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ है ना, पढ़ा है। यस कहीं से दुनिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो इस कमरे से भी बड़ा था, इस कमरे से भी बड़ा था। और इसको देने वाले कौन थे मैडियर? कौन थे मैडियर? लेकिन इन्होंने भी किया किसने रखी थी? किसने रखी थी? वॉल्ट डिज्नी। जब कि बात करते हैं वॉल्ट डिज्नी कहते हैं कि जब वो अट्ठाईस या सत्ताईस साल की उम्र में थे तो उस वक्त अपने कार्टून्स को लेके एक पब्लिकेशन हाउस में ये मिकी माउस वाले कार्टून्स को लेके कहां पे रहे थे पब्लिकेशन हाउस में। और उस पब्लिकेशन हाउस के व्यक्ति ने कहा था, क्या कहा था, कि आप कोई भी व्यक्ति कार्टून्स में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए हम आपके कार्टून्स नहीं छापेंगे। और इन्होंने डिज्नी वर्ल्ड करके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। यस नो? हाँ है ना? यस नो? कैसे जानते हो इसको? कितने लोग जानते हैं इसको? इसके बिना दुनिया नहीं चलती है ना? यस गाइस, आज आपकी दुनिया दो चीजों पर अटकी हुई है, किस पे बैठी है? फेसबुक और व्हाट्सएप। क्लियर है? माफ करना बात क्लियर है? अभी रिसेंटली की बात है, 84 का जन्म है, यानी अलगेडी में पॉइंट। क्लियर है? 33 इयर्स ओल्ड बंदा और दुनिया का सबसे पांचवें नंबर पर पैसे वाला है। इससे दुनिया को कनेक्टिविटी दी, दुनिया को प्लेटफॉर्म दिया। आज फेसबुक के थ्रू हम अपनी बातें कह सकते हैं। आज हमने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी मेरी, आज फेसबुक इतना बड़ा महान बना कैसे? आज फेसबुक के बिना हम लोग सोच भी नहीं सकते अपनी लाइफ को। ये सर हाँ कैसे जानते हो? मैं भी आरों द्वारा से आऊंगा इन सभी लोगों पर। पहले हम इन लोगों कैसे देखते पहले ये जानते हो? यस गाइस, विदेशी विदेश में एक कंपनी के अंदर रिलायंस के जो मुख्य अधिष्ठाता हैं, अधिष्ठाता मतलब मुख्य जो हैं, धीरू भाई अंबानी, एक कंपनी के अंदर किसका काम करते थे? कितने लोग जानते हैं? पेट्रोल पंप पर बार अटेंडेंट थे, मतलब जो पेट्रोल पंप के जो डिब्बे वगैरह होते ना उनको लेके जाते थे। क्लियर है? जब ये विदेश से यहाँ पर आए, कहाँ पर? इंडिया, भारत में आए। भारत में जब आए थे इनके पास कुछ नहीं था। क्या नहीं था इनके पास? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इनके पास, कुछ भी नहीं था। क्लियर है? लेकिन आज ये रिलायंस की अगर हम बात करते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार है। कैसे लोग? कितने लोग जानते हैं इस बात को? प्रश्न फिर से आएगा, कैसे? आयुर्वेदी में पॉइंट, मैं भी तो कैसे मैं काम कर रहा हूँ अभी, तो मैं अभी तो अंदर गई ही नहीं हूँ, एंट्री की नहीं मैंने। क्लियर है? चलो भाई और देखते हैं। क्लियर है? जानते हैं लोग टाटा का क्या वर्ड पड़ी है? टाटा, हम सभी लोगों को एक ही बार बोल देता, टाटा बिल्ला बन हो गए क्या? यस गाइस, ये है जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा बेटा वो काम नहीं करते, दो मिनट रुको, मैं चीख नहीं लगी हुई, रखो उसको। जमशेद जी टाटा, क्या नाम है इनका मंडिया? जमशेद जी टाटा। क्लियर है? भारत के अंदर स्टील रेवोल्यूशन को लाने वाले, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को लाने वाला जो नाम है वो है जमशेद जी टाटा। जब इन्होंने स्टील इंडस्ट्री पे काम करना चालू किया था, क्लियर है, इसके बाद उनको खुद नहीं पता था कि टाटा इतनी बड़ी कंपनी होकर आज यहाँ तक आ जाएगा। क्लियर है? आपको पता है टाटा अपना पूरी कमाई का 30-35% शेयर बांट देता है, दान कर देता है। कितने लोगों को पता है? 64 जो भी हो रही है।
कहते हैं कि रिलायंस की जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इनके मुकाबले सबसे ज्यादा कमाने वाले कौन है मैडियर टाटा, लेकिन वो क्या कर देते हैं बांट देते हैं, जबकि 30% में वो इस पोजिशन को होल्ड करते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैडियर टाटा जानते हो क्या है, कितने लोग जानते इसको? साउथ में पूजने वाले, जैसे हमारे यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है, साउथ में इसकी पूजा होती है, साउथ में कुछ मंदिर भी बने हैं, क्लियर है, लोग इसकी पूजा करते हैं, क्लियर है, कैसे है? सबसे बड़ा प्रश्न है कैसे है? पहली काम क्लियर है, जिन्होंने अपनी लालसा से अपने रोल से सबको लुभाया, सब काम किया, कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैसे? कितने लोग बात समझ में आते चल जाएगी, लेकिन इस लड़के ने 21 साल के समझ में आती बात क्या है, 21 साल के इस लड़के ने 150 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा किया, 150 करोड़, समझ में आ रही बात, हो सकता है फिगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे को भी मेरा मुद्दा था, ये नहीं है, ओयो जानते हो, ओयो आजकल चल रहा है, ओयो ओयो रूम्स चलते ना, ये सही से इस बंदे ने 21 करोड़, और जबकि बहुत बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बंदा था, ये सही से अभी रिसेंटली बात कर रहा हूं मैं, ये कैसे? बहुत सिंपल से प्रश्न है, कैसे कैसे उसने 150 करोड़ की कंपनी को खड़ा कर दिया, कैसे जानते हो? 1995 के अंदर ये बंदा इसी प्रकार से बैठा हुआ था किसी अपने साथियों के साथ, जैसे आज मैं और आप बैठे हुए हैं, क्लियर है, आज 2015 तक आते आते 16 तक आते आते ये चाइना का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को, कैसे? चलो और आगे चलते हैं, जानते हो कौन है ये? एमएस धोनी। कितने लोग जानते हैं एमएस धोनी को? आए ना, यस गाइस, आज हजारों करोड़ों लोगों के दिल पे राज करने वाला व्यक्ति कौन है मैडियर? धोनी। धोनी की मूवी भी आई, देखा था तो मैंने, हाँ ना, कितने लोगों को पता है मूवी के बारे में? हाँ ना, श्योर मैडियर, कितने लोगों को पता है मूवी के बारे में? देखा था मूवी आप लोगों ने, यस गाइस, उस मूवी के अंदर सबसे पहले अगर धोनी ने जो बात की थी, क्या किया था कि अगर धोनी कहां से आए थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे, रांची के एक साधारण फैमिली से थे, हां है ना, आज वो करोड़ों रुपए केवल गवर्नमेंट को टैक्स में, एक ऐसी फैमिली से थे जहां जब उनकी पहली नौकरी लगी थी 1500 रुपए की, क्लियर है, तो उनके पिताजी ने एक ही बात कही थी कि 3000-5000 रुपए कमा ले जिंदगी भर टैक्स में फील हो जाए, देखा था आपको बोले आए ना, जैसे नो हे, और आज उन्होंने रांची का नाम किया, रांची का नहीं पूरे देश का नाम किया, ये वही शख्स है मैडियर जिन्होंने भारत को दूसरा वर्ल्ड कप दिलाया, जैसे नो कैसे? कितने लोगों को अभी समझ में आ गया और चलते हैं। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज देखो, इस प्रश्न का जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा कि कैसे, सबसे पहले हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम प्रश्नों के जवाब खुद नहीं ढूंढेंगे, हमको आंसर तो मिलेंगे लेकिन क्या होगा, हम उन पर अमल नहीं कर पाएंगे, और इस सेमिनार का उद्देश्य बहुत सिंपल सा है, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन नहीं देनी, मुझे आप में बदलाव चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप ही भारत हो, यंग भारत आप ही हैं, आने वाले एमएस धोनी आप ही हैं, आने वाले जैकमा आप ही हैं, आने वाले थॉमस एडिसन आप ही हैं, वो कोई और नहीं होगा, कौन होगा? आप ही होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा बस केवल एक दिशा का फर्क होता है, किसका फर्क होता है? दिशा, लोगों को जहां दिशा मिल गई उन्होंने काम करना चालू कर दिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज अब देखिए, मैं आपको छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, उसको समझ, ये समझ में आ रही बात भाई है ना, ये कौन से लोग थे मैडियर जिन लोगों ने ऐसी लिस्ट बहुत लंबी छोड़ी है, लेकिन मैंने तो केवल कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ पर लिया है, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, ठीक है, मैं छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूँ, हाँ है ना,
श्योर माय डियर, क्योंकि जब तक हमारे को प्रश्नों के जवाब नहीं मिलेंगे हम काम नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से हम बैक में जाएंगे सारे के सारे लोगों का, क्लियर है? चली गई से सबसे पहले एक बात बताइए, मैं आपको थोड़ा टास्क दे रहा हूँ। टास्क ये है, यदि आपका बेस्ट फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड। कितने लोगों का बेस्ट फ्रेंड है? हाँ है ना? कितने लोगों का बेस्ट फ्रेंड है? हाँ है ना? है? अरे वाह, तुम्हारे पास है? यस है। यदि आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे नाराज हो जाएगा, हाँ है ना, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्या क्या क्वेश्चन है? सपोज योर बेस्ट फ्रेंड इज एंग्री विद यू, हाउ विल यू टेक हिम? मतलब यार आप उसे कैसे मनाओगे? हाँ है ना? श्योर माय डियर, पक्का? सबके पास आ रहा हूँ धीरे धीरे करके। यस बताइए, क्या करेंगे आप? वेरी गुड। यस मैम, आप क्या करेंगे? उसे पता है कि आप क्यों नाराज हो? आप बताओ क्या करोगे? आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे नाराज हो गया, क्या करते हो? सॉरी बोलो, बेर सुनते जाना। आज आप सारे प्रश्नों का जवाब आप स्वयं खुद दोगे, इस सब के पीछे का जवाब आप खुद दोगे, बस दो मिनट रुकना। यस बेटे, हाँ जी, आप बताइए आप क्या करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे? सॉरी बोल के मना लेंगे। यस क्यों ना आ जाए? बस हाँ, आप बोलिए, सॉरी बोल के बना दें। आप गलती बोली, सॉरी बोली, ये भी बोल। आप बोले ये फिर और बोलो। हाँ जी, मेरा थोड़ा जवाब अलग है। बोलो बोलो। मैं उन्हें दो लाख, कोई बात नहीं, वो भी कोई इशू नहीं है। बाप का दोस्त कुछ भी करो, लात मारो, घूंसे मारो, चाटे मारो, झपियां मारो, पपियां मारो, जो मांगना है मारो, देखने का फर्क पड़ता है। हाँ कोई फ्रेंड होगा? चलिए मान के चले आप सभी लोगों ने एक आपका बेस्ट फ्रेंड, एक मिनट हेलो व्यक्ति, आपके प्रश्न का जवाब जो इतनी देर से हम पूछ रहे थे, कल हम कैसे भी काम कर रहे हैं कि हम लोग अभी हम लोग उत्तर पे आए ही नहीं है। अभी सबसे पहले हमें करना क्या है, कैसे करना है, किसी पे नहीं आए अभी, तो हम केवल किस पे है? अभी प्रश्नों में ही है अभी, तो समझ में नहीं पा। आप मान के चले आपका एक बेस्ट फ्रेंड है और जो आपने खूब कोशिश कर ली मैडम, कि आपने एक तरीका आपने अपनाया, क्या तरीका अपनाया कि आपने उसमें बोला सॉरी बोला, क्लियर है? अब वो फिर भी नहीं मानता है तो वही तरीका अपनाओगे या दूसरा तरीका अपनाओगे? एक मिनट भैया, प्रश्न एक मिनट भी, वही तरीका अपनाओगे या दूसरा तरीका अपनाओगे? क्यों वही तरीका क्यों नहीं अपनाओगे? Sure? हाँ है ना? पक्का ना? मनाओगे ना? Yes. आप क्या करोगे? नहीं नहीं, जैसे मान के चले आप, नहीं नहीं सुने, आप जैसे मान के चले आपका कोई बेस्टी है और वो नाराज हो गया, ठीक है? अब वो क्या हो गया, बेस्टी को थोड़ा मनाना जाना चाहता रहता है ना, नहीं समझ नहीं पा रहे। अब बेस्टी है आपका, बेस्टी आपका नहीं मानता है, भी अपनी सुन रहे, अब आपका बेस्टी जो है वो नहीं मानता, क्लियर है? आपने एक तरीका अपना लिया, अब आप क्या करेंगे? आप एक आपका पहला प्लान पूरा फेल हो गया। यस गाइस, मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे प्लीज छोड़ दो, भाड़ में